कोनो बात बता ठीक नहीं तो आप जा सकेंगे। और हाँ हम जो कहले बनी वो ध्यान में रहे जी। हमनी के मुलाकात अधूरा रह गल रहे, बस उहे पूरा करे चले ली हाँ। और गजबे बात ई कि कतना नीक समय पर आयल है ई तो देखी। हम नहीं आईती ता आपके सच बात के पता कैसे चले? हाँ भाई साहब बिना पता न कहे आपसे झूठ कहत रहलन। सच तो यही है कि हम जोन काम से गांव से गोरखपुर आए हैं वो करे में एक आध महीना लग सकेला। अब अम्मा जी आप ही बताई, अब जब ले वो काम ना कर ली यहाँ से वापस कैसे चल जाए गांव? बोली अम्मा जी पूजा कहीं नजर नहीं किया? अच्छा अपन कमरा में होगी, हम जाते हैं पूजा से मिल के आओ थे, तब ले आप शांति से कुछ चाय नाश्ता बनवाएं, आज तो हम खा के ही जाए। के चाहत रहल आप नहीं जाने ने कि हम सब जानत हैं। तहार सास हमरा यहाँ आइला से खुश नहीं है, यह ना तू घबरा मत कुछ नहीं होखी। जब हम आपन सास से नहीं डराइले तो तहार सास से काहे डराए? हम तो कहत हैं कि तू हूँ मत डराइल करा, जितने डराइबू उतने ये लोग सीना पर चढ़ के रही हैं। भौजी बात डरे डराए के नहीं बा, उनकरा के आपके एजाइल पसंद नहीं बा। पर हमरा के एजाइल पसंद बा, हमार ननद के घर बा भाई, काहे ना आए? देखा पूजा तहार भैया और हम गांव से एजाइल यही खातिर आयल हैं कि तहरा गृहस्थी पे जोन गरहन लागल बा ओकरा के हटा सकी। तहरा के बस हौसला रख के हमने के साथ देवे की पड़ी। सबसे पहले ये पता लगावे के बाद कि तहार सासी कुजड़ा लेखा दाव पेच कहा चलतिया, वो चाहत का बिया। तू ही बताओ कि वो सिर्फ कुंडली के चक्कर कैले बिया या फिर कोनो और भी खेल खेल ले बिया? भौजी कोनो एगो बात होके तब बताई, यहाँ तो हर रोज कोनो न कोनो इल्जाम हमरा ऊपर लगा दिया जाता।
इल्जाम? कैसन इल्जाम? बहुजी, पहले हमार बिस्तरा में रुपया छिपा के ओकर चोरी का इल्जाम लगावल गए, फिर हमार अलमारी में वसीयत के कागज छिपा के ओकर चोरी का इल्जाम लगावल गए। गजबे बात है, तहरा संगे इतना कुछ हो गए और हमने के कुछ पता नहीं खे, तू बतौलो तक नहीं, केहू से तक आ सकत रहलो? कैसे कहती माई बाबूजी से और का कहती कि जौना घर में इतना अरमान से हमार ब्याह कैला हवा, ओइजा ओकरा के चोट हरावल जा रहल बा। माई इस सदमा बर्दाश्त कर पावत? उ तो ये सोच के खुश बिया कि हम एजा खुश हैं, हम आपन दुख बता के उनकरा के दुखी ना ही कर सकत रहली। तो बात सिर्फ कुंडली तक नहीं बा, तहार सास जरूर कौनो ना कौनो खिचड़ी पकावत है। अब उनकर खिचड़ी में कंकड़ हमनी के मिलावे पड़ी। कौनो और बात जौन तोरा खटकत होखे? कुछ दिन पहले ई मुंबई से आयल रहलन और कहत रहलन कि माई जल्द से जल्द पोता पोती के मुंह देखे के चाहत बिया। ई का चक्कर है, तोहरा से कहत है कि कुंडली दोष हो पति से अलग रहा और ओहर तोहर पति से कहत है हमरा पोता चाहिए। हमरा तो लगता कि हमनी के बीच दूरी पैदा करे के चाहत अड़ी। 100% के बात कह लो, यह बात है वो तू दोनों के आपस में लड़ावल चाहतिया, तू दोनों के अलग करल चाहतिया। पर काहे हम उनकर का बिगड़ ले है? ये बात के तब पता लगाए के बाद कि आखिर वो तोहरा से कौन बात के बदला लेता रही? कुंडली के चक्कर, चोरी के इल्जाम, फिर दामाद जी के भड़कावल, बहुत गहरा कुइया बा। डुबकी मार के गहराई के पता करे पड़ी। कुइया गहराई हमको समझ नहीं नहीं। हम अनपढ़ होके भी सब समझ गई ली और तू पढ़ लिखल होके भी नहीं समझ लो। हमने के इस षड्यंत्र के बारे में पता करे के पड़ी। पर कैसे? ये भैल ना गजब के बात, जैसन पंडित वैसे ही पूजा। बैठा, के एगो झूठ बोले के पड़ी। कैसन झूठ? कि तू पेट से हो। ई का कहो तो भौजी, ई झूठ भला हम कैसे बोल सकेली? गजबे बात करत हो, सच के पता लगावे खातिर एगो झूठ ना ही बोल सकेलो। लोहा ही लोहा के काटेला, यह कहावत सुन ले हो ना? बस हमनी के उहे करे के हा। तहार सास के चाल के जवाब हमनियों के चाल चल के देवे के हुए। बस तू घबराओ मत। पर ये सब कैसे होगी? कहीं डॉक्टर से चेकअप के बाद भइल था? तू ओकर फिक्र मत कर, तहार घर में शांति नाम के नौकरानी भी आ, तू ऐसन कर। हरिराम एक बात बताओ,
तो फाइल पे लिखा अंग्रेजी नाम तो पढ़ नहीं पाते हो, इंग्लिश पिक्चर देखने क्यों जाते हो? मैं समझाऊं, अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए ना आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। क्यों यार? सीधी सी बात है, आदमी अंग्रेजी फिल्में समझने के लिए नहीं आता, सिर्फ देखने के लिए जाता है। अरे राम, यही बात है। गुड मॉर्निंग मैन। गुड मॉर्निंग मैन। गुड मॉर्निंग मैडम। ओम प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग मैडम। हम बैठी। आप एजा कोनो खास काम रहल तो हमरा के बुला लेती। आज हम ऑफिस के काम से ना है, कुछ और काम से आई। कैसन काम मैडम? कुछ पर्सनल बात करे के बा आपसे। पर्सनल जी? कहीं के सबसे छोट बहन के ब्याह हो गए प्रकाश जी। नहीं मैडम, पता ना होकर भाग में केकर साथ लिखल बा। कितना उम्र हो गई होगी? अब आपसे का छिपाई मैडम, सबसे 25 साल बोले ली पर 30वां साल पूरे जात बा। जैसे जैसे होकर उम्र बढ़ल जात बा, हमर चिंता भी बढ़ल जात बा। कहीं कोशिश करत आनी कि नहीं? करत आनी मैडम, पर हर जगह दहेज के डिमांड इतना ज्यादा बा कि कहा बताई। हमार बहन नीलम पढ़ल लिखल बिया, ओकरा के पति भी पढ़ल लिखल चाहे, बस पढ़ल लिखल लड़का के घर वाले इतना ज्यादा दहेज मांगेला कि हिम्मत ही नहीं पड़ेला कि बात आगे बढ़ाई। और कम दहेज वाला रिश्ता मिलत नहीं बा। हमार तो समझ में नहीं आवता कि का करी। ओम प्रकाश जी, आप अपन बहन के ब्याह के चिंता छोड़ दी, समझ ली कि ओकर ब्याह हो गई। हम आपके बहन खाती एगो निमन लेकर ढूंढते और ओकर सारा दहेज के खर्चा भी हम ही उठाई। ध्यान रहे, हमने के ये बातचीत केहू और के पता ना लगे के चाहे, नहीं तो हर केहू मुंह बावे लगी। जी मैडम, हवा के भी खबर ना लगी, आप निश्चिंत रहें। और एक बात, एक दो दिन में दीपक नाम के एक आदमी आई अचार के कुछ सैंपल लेके, आप सैंपल रख ले और उनका के हमरा पासे भेज दे। ठीक बा मैडम। हेलो के बेटी, अपन माई से बात करावा। मेरा बहन, हम रूपा बोलता नहीं गोरखपुर से। नमस्ते। आप अचार के सैंपल कब भिजवाओ तनी? हाँ हाँ, जल्दी भिजवा देती। हाँ, एक जगह बात कहले बनी, हम जल्दी आपके बताओ तनी। नमस्ते। चाय हम ले जाते।
मजे चाय। मालकिन मालकिन हमके मिठाई खिलाई, हमके दुगो साड़ी चाहिए नाया, वो ये गो ना ले, दुगो लेम साड़ी। का बकत रे, का बल पूजा के? रुगा दादी बने वाला है, रुगा दादी बने वाला है। वो एकदम में जिद आ गईल कहे लगलन कि घर में सबका रिक्शा बा कि घर में जल्द से जल्द एक छोटा मेहमान आवे। हमार एक ना चले दलन उ तो आपके भी नाम लेत रहलन कि आप भी एक घर में जल्द से जल्द पोता पोती के मुंह देखे के चाहत हैं। अब आप ही बताई मर्द के आगे मेहरारू के कोनो जोर चलेला। हम आपके खातिर एगो नेक रिश्ता देख लेले हैं। हम तैयार। पहले आपके आरती के तलाक देवे के होई।